चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो दोस्तों, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। जब भी दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन करना हो आधार यूसीएल के लिए तो हम क्या करेंगे, हमें दोस्तों इस वेबसाइट की लिंक को ओपन करना पड़ेगा। पहले eseva.cseclaud.in, ये लिंक दोस्तों मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसे आसानी से ओपन कर पाएंगे। जब भी दोस्तों आपको आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो और सारी डॉक्यूमेंट आप रिक्वायरमेंट को पूरी कर लिए हैं तो क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड को ओपन होने के बाद हमें डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है और आगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमें आवश्यकता होगी यूसीएल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब हमें दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए। कर्सर को थोड़ी हम अप कर लेंगे। आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों 28 रिक्वायरमेंट हमसे मांगी जा रही हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास हो तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमें अपना वीएलई नाम को ही यहाँ पे फिल कर देना है, तो चलिए हम फिल करते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट में दोस्तों वीएलई सीएससी आईडी ऑटोमेटिकली फिल होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बैंक बीसी कोड चाहिए इसमें। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप आईसीआईसीआई बैंक बीसी का लॉगिन कर पा रहे हैं और इसके साथ ही बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकाल पा रहे हैं तभी आप बैंक बीसी कोड को डालेंगे। बैंक बीसी कोड दोस्तों हमारा सीएससी आईडी ही होगा, तो चलिए हम उसे फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमें नेम ऑफ बैंक इशू वीएलई बीसी कोड को फिल कर देना है कि किस बैंक ने हमें बीसी कोड दिया है, प्रोवाइड किया है, तो हम इसमें आईसीआई बैंक फिल कर देंगे। स्टेट वेयर सीएससी लोकेटेड में हम अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप होंगे दोस्तों उसी स्टेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे पहले। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हम होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेवेंथ वाली रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमें अपने एरिया का पिन कोड को यहाँ पर फिल कर देना है, तो चलिए हम फिल कर देते हैं। अब हमें दोस्तों सीएससी सेंटर का कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है, जो भी हमारे आधार कार्ड में हो या जिस जगह पे हम सीएससी सेंटर चला रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे हम पूरा फिल कर देंगे। तो ये हमने दोस्तों अपनी पूरी एड्रेस को यहाँ पे फिल कर दिया जहाँ पे हम सीएससी सेंटर चलाते हैं। अब हमें दोस्तों वीएलई मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है, तो इसे आप फिल कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों वीएलई ईमेल आईडी को फिल कर देना है, तो चलिए हम इसे भी फिल कर लेते हैं। जब हम दोस्तों ईमेल आईडी फिल कर लेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें आधार एनएसईआईटी का ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास एनएसईआईटी का ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तभी हम यस करेंगे, और यस करने के बाद दोस्तों हमें इसे अपलोड कर देना है, तो इसके लिए हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन में आपने उस सर्टिफिकेट को रखा है उसे आप अपलोड कर देंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो जेपीजी पीडीएफ कुछ भी हो तो उसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 200 केबी के अंदर ही आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद ही आप अपलोड करेंगे तभी वो अपलोड होगी। एनएसईआईटी का दोस्तों सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होगा, इसे ही हमें अपलोड करना है। 200 KB में आप इसे लेस देन कर लेंगे, इसके बाद ही आप अपलोड करेंगे, तो चलिए हम करते हैं। जब हम दोस्तों ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर की पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी को हमें अपलोड करने की आवश्यकता होगी। ध्यान ये रखेंगे दोस्तों कि जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगी वो 3 मंथ के अंदर का ही हो, इससे ज़्यादा पुरानी सर्टिफिकेट को आप अपलोड नहीं करेंगे, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, इसके बाद आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, ये हमारी ब्लॉक लेवल की है। अगर आपने एसपी ऑफिस की सर्टिफिकेट बनाई तो वो कुछ उसकी फॉर्मेट अलग होगी, तो चलिए हमने इसे अपलोड कर लिया। अब हम जानेंगे दोस्तों आगे हमें क्या करना है, तो हमें ऑपरेटर या सुपरवाइजर की ई आधार कॉपी को अपलोड करने की ज़रूरत होगी। आप अपने ओरिजिनल आधार की स्कैन कॉपी को अपलोड नहीं करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे पहले और उसी कॉपी को आप अपलोड करेंगे। ई आधार दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, इसे ही हमें अपलोड करना है। जब हम ये आधार अपलोड कर लेंगे दोस्तों फिर हमें क्या करना है, सुपरवाइजर या ऑपरेटर की मोबाइल लिंकेड जो आधार के साथ हो उस नंबर को हमें यहाँ पे फिल कर देना है, तो इसे हम फिल कर लेंगे यस करने के बाद। और इसके साथ ही दोस्तों ऑपरेटर या सुपरवाइजर का अल्टरनेटिव मोबाइल भी हमें यहाँ पे फिल कर देना है, तो चलिए दोस्तों हम इन दोनों ऑप्शन को फिल कर लेंगे अपने मोबाइल नंबर से। जब हम मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे दोस्तों फिर से हमें ऑपरेटर या सुपरवाइजर की ईमेल आईडी को फिल करने की आवश्यकता होगी, तो चलिए इसे भी हम कर लेंगे।
इसके बाद दोस्तों हम कर्सर को थोड़ी अप कर लेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन, तो इसके लिए हम यस कर देंगे। और अगर आप UDI की लैपटॉप स्पेसिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो आप क्लिक हेयर में क्लिक करके इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन को जान सकते हैं उस लैपटॉप की। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर का होगा, इसमें हम यस कर देंगे अगर हमारे पास है। इसी प्रकार से सिंगल फिंगरप्रिंट मशीन में भी हम यस कर देंगे। इन सब ऑप्शन में दोस्तों हमें यस नो पे जवाब देना है। सिंगल आयरिस मशीन पे भी हम यस कर देंगे अगर हमारे पास है अवेलेबल। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा TFT मॉनिटर का, अगर आपके पास है तो यस कर देंगे। साथ ही दोस्तों GPS डिवाइस आपके पास अवेलेबल है सेंटर में तो आप यस कर देंगे। फिर से हम कर्सर को थोड़ी अप कर लेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों हमें अपने सेंटर का इनसाइड और आउटसाइड का पिक्चर को अपलोड करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। और हमारे पास जो CSC सेंटर का इनसाइड और आउटसाइड का पिक होगी उसे हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों जब हम अपनी सेंटर की इनसाइड पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं, इसी प्रकार से हम आउटसाइड पिक्चर को भी अपलोड करेंगे। तो चलिए हम चूज फाइल में क्लिक करेंगे, इसके बाद हम आउटसाइड की पिक्चर को अपलोड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों सारी पिक्चर जो होगी वो 200 KB के अंदर ही आपकी होनी चाहिए, तभी ये अपलोड होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमें इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, मतलब कौन सी नेट का आप यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड या डोंगल, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रॉडबैंड अगर आप यूज करते हैं दोस्तों तो IP एड्रेस आपको टाइप करनी होगी, और अगर आप डोंगल यूज करते हैं तो डोंगल पे आप क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में दोस्तों आपको CCTV आपके सेंटर में है तो इसकी अवेलेबिलिटी आपको बतानी होगी, अगर आपके पास है तो यस कर देंगे। और इसके बाद उसकी पिक्चर को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 25 में जो रिक्वायरमेंट हमसे मांगी गई है दोस्तों वो इस प्रकार का है, दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर। अगर आपके सेंटर में व्हील चेयर है तो आप यस करेंगे, वरना इसे नो कर देंगे। हमारी सेंटर पे है दोस्तों, हम इसे यस करेंगे और उस पिक को यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। 26 में जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है दोस्तों वो टोकन सिस्टम या मशीन की अवेलेबिलिटी आपके सेंटर में है तो आप यस कर देंगे, और उसकी पिक को भी आपको अपलोड कर देनी है। तो चलिए हम इसे अपलोड कर देंगे अगर आपके या हमारे पास है तो, वरना इसे नो कर देंगे। इसी प्रकार से 27 में जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है टॉयलेट फैसिलिटी, अगर आपके सेंटर में है तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो कर देंगे। अंतिम में दोस्तों हमें सिक्योरिटी कैप्चा को फिल कर देना है, तो चलिए हम फिल कर लेंगे। जब हम दोस्तों सिक्योरिटी कैप्चा को फिल कर लेंगे, इसके बाद हमें आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सिंपली हमें सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस इंटरफेस में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों UCL रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा मिल चुका है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आधार UCL के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम दोस्तों इसकी कॉपी की एक प्रिंटआउट निकाल लेंगे और अपने पास रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।